ये जो आपके थुतले निकले हुए हैं ना लड़कों को, लड़कियों के निकले हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप लोग एक बार ईमानदारी से अपने पेट के बाजू में हाथ लगाओ, इधर इधर एक बार लगाओ, ये जो आपके थुतले निकले हुए हैं ना बेटा, ये थुतले आपके दिमाग को क्या करते हैं, आधी एनर्जी तो यही खा जाते हैं। तो प्लीज आप इन थुतलों से बाहर निकलो। कैसे निकलोगे? इन थुतलों से बाहर निकलने का सिंपल तरीका है, रस्सी कूदो, रस्सी कूदो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप जिस वक्त रस्सी कूदोगे, ये आपके थुतले जो है ना, ये वाले, ये एकदम कूद कूद के, आप खुद से देखना ऐसे ऐसे जब आप करते हो, यू नो, आप स्किपिंग करते हो इस तरह से, यूं करके स्किपिंग करते हो ना, तो वो स्किपिंग क्या करती है, आपके लिए जो ये थुतले आए पड़े हैं, ये जो मास का हार्ड मास यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, वो मास बेसिकली क्या होगा, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और एक्चुअली आपको ये आलस का कारण भी है, आपके दिमाग में यू नो ये जो अनकॉन्शियसनेस है ना, उसका कारण आपका फैट है, ये थुतलपन है। तो प्लीज आप इसको रिड्यूस करो। कई बच्चे तो बस सारे दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, अपने आपको हिला ले तो मजा ले। अरे आप कब भागना शुरू करो, थोड़ा बहुत भागो, थोड़ी बहुत स्किपिंग करो, डोले शोले रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा थोड़ा भागो तो सही, आपके थुतले ठीक हो, आप थोड़ी स्किपिंग तो करो, साइड के जो मास लटक रहा है वो ठीक हो, गाल लटक रहे कई लोगों के तो घर पे बैठ बैठ के, मतलब ऐसे दिखाएंगे कि जिंदगी में कोई अगर बिजी आदमी है तो यही है, जिंदगी में अगर किसी को नीट में सिलेक्शन कराना है तो यही छोरा है, जिंदगी में अगर जेई में सिलेक्शन कराना है तो यही छोरी है। अरे भाई बाहर निकलो, थोड़ा अपने एक्सरसाइज करो और अपने जो मास लटक रहे ना उसको ठीक करो, क्योंकि ये आपके माइंड में उदासीनता पैदा करता है। सो इन दैट केस प्लीज एक्सरसाइज डेली, ट्राई टू अंडरस्टैंड।